खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के अंतर्गत बेलठा गांव में कोसी बागमती के भीषण कटाव को अविलंब रोकने तथा पचाड गांव में मारकंडे परिवार को बांसवित पर्चा मुहैया कराने के लिए खगड़िया के जिलाधिकारी अनिरुद्ध कुमार के पास आवेदन जमा किया। सामाजिक कार्यकर्ता चंदन कुमार ने बताया कि जिला के अंतर्गत बेलदौर प्रखंड में बागमती नदी का भीषण कटाव जारी है। लगातार कटाव का धारा बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की समस्या बढ़ गई है और लगभग 20,000 लोग इससे प्रभावित होंगे। एक तो सबसे विकट समस्या अभी हो गया है कटाव को लेकर। एक कटाव को लेकर पिछले बार भी हम जिला पदाधिकारी महोदय से मिले थे। अभी वर्तमान में 4-5 पंचायत जाने का रास्ता है, बीपी मंडल सेतु है, डुमरी पुल, उस पुल से होकर चोरली, दिघौन, इतमादी, बलेठा, अनेक 4-5 पंचायत लमसम लाखों की आबादी है, जिसका मुख्य मार्ग है। अभी वर्तमान स्थिति कोसी और बागमती का इतना रफ्तार से कट रहा है, अगर जिला प्रशासन उस कटाव पर ध्यान नहीं दे, उधर लाखों की आबादी इस मुख्य मार्ग कट जाने से फिर वही जिंदगी जीने को विवश होगी। इसी मांग, पहला यह मांग था, दूसरा मांग था पचौट के जो भूमिहीन परिवार को कुछ लोगों को बास्किट पर्चा जिला पदाधिकारी खगड़िया के द्वारा दिया गया था, और शेष जो बचे लोग हैं उनको अविलंब देने की मांग को लेकर आज हम खगड़िया जिला पदाधिकारी से मिले हैं। इस बात को लेकर के जिला पदाधिकारी जो थे वो क्या आपको जिला पदाधिकारी इस बात को लेकर अपने पदाधिकारी जो और जिससे जो कार्य होने वाला है सारे लोगों से बात किए, जैसे अति घर वाला में मतलब पर्चा वाला में सीओ साहब से बात हुई, बोले कल सब कुछ जमा कीजिए, परसों हम लोग करेंगे। कटाव वाले को लेकर बोले यह तो पटना से है, हम अपने स्तर से तुरंत हम एस्टीमेट बना के यहाँ से भेज भी दिए हैं, इसका भी हम दिखवा के तुरंत भेजवा रहे हैं, हम लोग अपने स्तर से प्रयास करेंगे, यही आश्वासन दिए।